आज हमारी बहू बेटियां पिकनिक में जाने लगी। पिकनिक, अभी 1 जनवरी आने वाला है, नौजवान तैयार है, डीजे सेट तैयार, 13 को बोतल ले आया, मुर्गा बांध दिया, एकदम बोरा में चावल, उसमें लकड़ी, उसमें कोयला, उसमें गोठा, सब ठूस दिया, चल गया कहां? मैथान डैम, कैमरा ले, सेल्फी ले, और मुंह देखो बोरसी तरह, सेल्फी ले रहा है फूल के पास खड़ा होके, बोलो, अरे जिस कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन के 18 साल का बेटा गया था, कहे बाबा जल्दी करो फरिश्ते आ गए हैं, मेरा चेहरे का सेल्फी लेगा, रब की बारगाह में पेश करेगा, हम जान दे मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये ना हो सके नबी का जाओ जलाल दे। आज मेरा बेटा मोबाइल लेके चलता है, 15 साल की उम्र है, 20,000 का मोबाइल, जलसा माता है, फ्री फायर पबजी खेलता है, लाज शर्म है खत्म, वहां बैठ के अभी 2-4 लड़का खेल रहा था, हम बोले या अल्लाह ये लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुल यार है, माँ बाप है रे, काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, समाज का हिस्सा बनता, पढ़ा होता, जलसे में अदब से बैठता, मस्जिद में अजान सुनता, अंदर में सजदा करता, महफिल में आके बैठ जाता, मोहब्बत से सुन लेता, अलमा से मिल लेता, मोहब्बत कर लेता, घर में कुरान रखता, तलावत कर लेता, माँ बाप के साथ रहता, खिदमत कर लेता, और जब समाज में बोलता तो इंसान बोल देता। बेटा आज ताश की पत्ती लेके घूम रहा, शर्म नहीं आती? जिस मुसलमान के हाथों में कुरान का पारा होना चाहिए था, करबला में खाना नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन कुरान की तलावत नहीं बनी हुई थी। आज हमारे घर में 3-5 बेटा है, सब अलग अलग मोबाइल, बहू भी मोबाइल, सास भी मोबाइल, लगता है एकदम ये घर नहीं इंटरनेट है, सब अपने अपने एकदम जवाल। हम नहीं देखते कोई लड़का 12 बजे रात एकदम गलियों, हम बोले मच्छर मार रहा, बोले वो नेट चला रहे, ये बोले नेट चला रहा, फेट चला रहा, अजब हाल है, क्या करोगे? सोचना चाहिए, क्या पढ़े हो बच्चों को? 15 साल 20 साल 25 साल उम्र हो गई तो याद पढ़ने याद नहीं, 55 साल 50 80 साल गुजर गई, माँ बाप का जनाजा लेके जा रहे हो, दुआ जनाजा तक याद नहीं, तो क्या करोगे? मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, वो मुर्गी जबर नहीं कर पाया पूरी जिंदगी, पोल्ट्री ले आया, दाढ़ी है तो मुसलमान है, लेकिन जाके टूअर के तरह मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ बेटी, मुर्गी जबर कर दे, टूअर के तरह, वाह क्या बेटा तेरा है, मुर्गी जो करने, मुसलमान मुर्गी हलाल करना हजरत, मुर्गी जबह करना ये नमाजी होना शर्त नहीं है, मां बहाउद्दीन साहब किबला बैठे हैं, ये मुसलमान होना शर्त है, आप अगर मुसलमान हैं, पाक साफ हैं, आप अपनी मुर्गी खुद जबह कर सकते हैं, कोई जरूरी कि मौलाना मुफ्ती हाजी हाफिज साहब ही जब करे, नहीं, आप मुसलमान हैं, मुसलमान का जबीहा हलाल है, आप जब कीजिए हम आपके जबीहा खाएंगे, आप मुसलमान हैं, मुझको पक्का यकीन है कि ये मुसलमान है, तो आप जब कर दीजिए पाक साफ होकर के, और क्या कही के हम शॉर्ट कलमा बता देते हैं ताकि मौलवी के पास ना जाना पड़े, आज के बाद मुर्गी जब आपके जब कीजिएगा कुछ नहीं कीजिएगा, पाक साफ है किबला की तरफ घूम जाइएगा, मुर्गी का उत्तर के जाने उसका पांव रखेगा, इधर दक्षिण के जाने उसका सर रखेगा, छुरी पकड़ेगा, और एक मतलब पहले आगे चलाइएगा पीछे फिर आगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर, हे में 3 जेर दीजिएगा, हे में जेर, बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर करके आप छुरी आगे पीछे आगे चला दीजिए, मुर्गी हलाल है, आप जबह कीजिए हम खा लेंगे, लेकिन आपकी बहू नहीं खाएगी, आप कभी जब करके घर ले गए, गया मुर्गी लेके, इमाम साहब नहीं थे,
इमाम साहब नहीं थे तो खोजा खोजा नहीं मिला तो क्या किया, एक लड़का बोला बाबू सुन सुन, लड़का बोला अपने पढ़ के जबा कर दिया, जबा करके घर ले आया मुर्गी, खाया पिया दोनों मियाँ बीवी बाल बच्चे सब खा पी के जब बैठे गप किया, तब वो शोहर पूछ रहा अपनी बीवी से, बोल मुर्गी जो जबा करा के लाया ठीक लग रहा था, बोला हाँ ठीक लग लो बढ़िया। तब उसका शोहर बोला बोल मौलवी साहब नहीं जबा कर ले लो, हमें जबा कर दे लिया, बोल हमारे पेट टकरेगा तो ठीक ना लागो रे बा, हमें कहीं धुमाएंगे सुना 3 घंटा के बाद, मतलब विश्वास नहीं है शोहर पर, विश्वास नहीं है, आधा हजम भी हो गया। तो विश्वास पैदा कर, बीवी से इतनी मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। यहाँ तो बीवी से भी मोहब्बत नहीं, बच्चों से भी मोहब्बत नहीं, मजहब से भी मोहब्बत नहीं, दीन से भी मोहब्बत नहीं, धर्म से मोहब्बत नहीं। लोगों मोहब्बत करो, मोहब्बत करना बुरा नहीं है। कभी किए हो बीवी से मोहब्बत? बीवी से मोहब्बत करते हो? नौजवानों एक नुस्खा बताते हैं, कल चेक करना बीवी की मोहब्बत। अगर घर के अंदर बीवी तेरी रोटी बना रही है, रोटी बना रही है, तुम घर घुसना, बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और उसमें कह देना जाने जिगर पराठम सतुआ शुरू। चेक करो मोहब्बत। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उनकी बेटी फातिमा जारा अपने बाबा के बारगाह में, रसूल की बारगाह में गई और जाके अदब से खड़ी हो गई। प्यारे आका फरमा, तशरीफ फरमा है, बीवी फातिमा फरमाती मेरे सर, मेरे आका आप मेरे बाबा हैं, दुनिया के आका हैं, तमाम नबियों के नबी हैं, आप गैब की खबर जानते हैं, या रसूल अल्लाह आप सब कुछ जानते हैं, जन्नत में कौन जाएगा ये भी आपको पता है, जहन्नम में कौन जाएगा ये भी आपको पता है, कयामत कब आएगी ये भी आपको पता है, या रसूल अल्लाह आप सब कुछ जानते हैं तो ये भी तो जानते होंगे, पूरी दुनिया में बहुत से आदमी हैं, उस आदमियों में बहुत सी औरतें हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जो औरत जाएगी वो कौन औरत होगी, कहाँ की औरत होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी सुनो फातिमा, मदीने में एक औरत रहती है, मदीने में एक औरत रहती है जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, लेकिन ये बेटी सुन, उस औरत के घर में बिल्डिंग नहीं है, हवेली नहीं, कोठी नहीं है, खजूर के दरख्त का पत्ता से बना हुआ घर है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं, उसका शोहर रहता है, उसका शोहर जंगल में जाके लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, तब बाकी बाल बच्चों का राशन पानी लाता है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था बीवी फातिमा चुप हो गई। सरकार फरमाते बाप बेटी चुप हो, कुछ कहने चाहती हो? कहा या रसूलुल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ कि तमाम औरतों में सबसे पहले वो जन्नत जाएगी, तो जाएगी कैसे? वो कितनी इबादत करती होगी तब जन्नत जाएगी, कितनी तलावत करती होगी तब पहले जन्नत जाएगी, कितनी तकवा शार होगी तब पहले जन्नत जाएगी, कितनी तहज्जुद गुजार होगी तब पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी कल फजर के बाद चली जाना, जाके उस औरत को देख लेना। नबी की बेटी फजर के नमाज के समय उठती है, नमाज फजर नबी की बेटी अदा करती है, पूरे कपड़े से बदन को ढक लेती है, छुप छुपाते लकड़हारे के दरवाजे पे जाती है, बाहर से दस्तक देती, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, मैं हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ, फातिमा जहरा हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, दरवाजा खोलो ना। अंदर से आवाज आती फातिमा माफ करना फातिमा, हम दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, मेरा शोहर फजर के बाद जंगल चला गया लकड़ी काटने के लिए, हम शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकते। ए फातिमा तू आज वापस चली जा, जब मेरा शोहर आएगा ना हम इजाजत लेके रखेंगे, तब कल आना दरवाजा खोल देंगे। नबी की बेटी वापस हो जाती है। आका फरमाते बेटी मुलाकात हुई थी? कहा बाबा दरवाजे पे तो गई थी,
बात नहीं बनी, मुलाकात नहीं हुई। मेरे आका फरमाते बेटी कल जाना जरूर मुलाकात होगी। दूसरे दिन फिर फजर की नमाज भी फातिमा पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है और लकड़हारे के घर की तरफ चलने लगती है। उनकी बीवी को देखना है वो जन्नत पहले कैसे जाएगी। नबी की बेटी सोच रही थी कि मेरे बारे में आका फरमाएंगे, लेकिन कहा लकड़हारे की बीवी पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी जूही जाने लगी, इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ जा कहाँ रही है, कहा माँ हम भी जाएंगे। बीवी फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को गोद में उठाया, चल दी, लकड़हारे के करीब गए, घर के करीब गए, बाहर से दस्तक दे दी, अंदर से आवाज आ गई, कौन? कहा फातिमा हूँ, नबी की बेटी हूँ, कल आई थी वापस चले गई, आज दरवाजा खोलो ना। कहा ठीक है, आप अकेले हैं या कोई और साथ में है? कहा कोई नहीं है, मेरा एक बच्चा है, इमाम हुसैन है जो गोद में है, मैं उसको लेके आ गई हूँ। जिद कर दिया, बच्चा छोटा था, घर में नहीं रहा, लेके आ गई हूँ। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, मेरा शोहर जो था उनसे इजाजत मांगा था, सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था, इसलिए फातिमा आज भी तू वापस चली जा, शोहर आएंगे हुसैन की भी इजाजत लेंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। माँ बहने गौर से सुनिएगा, आज की बहू बेटी शोहर निकला गाड़ी ले, बीवी चुगली बोराली दुआरी में बैठ गए। यहाँ नारहाड़ी बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, ये सब बात चित्रजन के ऊपर है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ ठीक ठाक है। आजकल की औरतें अरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है क्या जी? शोहर चले गए बाजार, बीवी कचहरी फैला दिया गाँव में, पांच गो यहाँ, तीन गो वहाँ, यहाँ न, यहाँ है सीनियर, वहाँ है जूनियर, यहाँ मशवरा लेना है ले लो। लेकिन नबी की बेटी फातिमा वापस आती है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ए बेटी मुलाकात हुई थी, कहा बाबा दो दिन से गई हो, मुलाकात ना हो पाई, बात ना बन सकी। आका फरमाते बेटी कल जाना दरवाजा जरूर खोलेगी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर बोल दे भैया। अरे सुन रहे हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, हो हाथ उठाइए। अब खाली हाथ में बचा है लास्ट में, मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब नारा भी लगवाइएगा ना, नारे तकबीर अल्लाह, इतना थक जाता है आधा बजे रात, कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, हाथ वही घुमाएगा, नारा लगाओ नारे तकबीर, हाथ उठा के कहा रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, डेढ़ बजे रात के बाद उठाया परवरदिगार, तमाम के हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे, कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह ये हमारे साढ़ू है, हाँ ये मेरा साढ़ू है, मुंह बोला साढ़ू है सचो नहीं है। अरे माशाल्लाह इन्हीं का दादा चले सुभान है, सुभान मियाँ से हम लोग बहुत मोहब्बत करते, हम लोग बहुत दिन से 20-25 साल से आना जाना होता था, जिस टाइम हम लोग तकरीर करना सीख रहे थे उस टाइम यहीं आके सीखे। आज अल्लाह के करम है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में मेरी तकरीर होती है, हिंदुस्तान के बाद नेपाल में दो तकरीर हो चुकी है, और ये मेरी माँ की दुआ है और ये मेरी बेटियों का सदका है, कहिए सुभान अल्लाह। जिसकी माँ है भाई माँ, मूसा अलैहि सलाम जब कोहे तूर पे चढ़ने लगे ना, वो वाकया बताएंगे बीवी फातिमा वाला, चढ़ने लगे तो मूसा अलैहि सलाम की माँ जब इंतकाल हो गई ना, तो अरब ने आवाज लगाया, आज अरब के बारगाह में आवाज आई अरब के बारगाह से, मूसा अब तुम कोहे तूर पे चढ़ोगे ना मूसा, तो संभल के चढ़ना। कहा मौला क्यों? कहा जो तेरी माँ थी इंतकाल कर गई है, तो मेरी माँ तेरी पीछे दुआ करती थी ना, तू आराम से कोहे तूर पे चढ़ जाता था, अब तेरी माँ की दुआ नहीं रही। याद रखना नौजवानों, तुम जो पीर साहब के पीछे चक्कर लगाते हो ना, लेकिन पीर के कदम में जन्नत नहीं है, सुन लीजिए, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं है, झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, मेरे कदम में नहीं है जन्नत, मुफ्ती के कदम में नहीं है जन्नत, हाजी के कदम में नहीं जन्नत, पीर के कदम में नहीं जन्नत, जन्नत ढूंढना है घर जा, माँ बूढ़ी है झोपड़ी में है, मौलाना तू बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है माँ का, लेकिन ये नौजवान समझे तब ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत नहीं आता फरमाए। हम लोग दुआ देते हैं गारंटी नहीं देते, गारंटी माँ देती है, माँ की दुआ लो गारंटी कबूल होती है,
लेकिन अभी के नौजवान लड़का, अरे वाह, 15 साल 20 साल तक तो मांगो माँ माँ कहते जाएगा, लेकिन जहाँ शादी हो गई घर में बहू आ गई, वो बहू कहे रहेगी जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी, जिसको माँ माँ कहते, माँ खाना कहाँ है, कमल कहाँ, रजाई कहाँ, पानी कहाँ, माँ सब देती थी बुढ़ापे में, जब तक जवान बेटा था बहू नहीं आई, माँ माँ कहता था, माँ के आगे पीछे घूमता था, माँ के हाथ से खाना खाता था, बहू घर में घुसी, अरे क्या जो फूकी, अब वही जानती हूँ मंत्रवा क्या, एक बार अपने शोहर के कान में फूंक देती है 3 साल असर रहता है, आपके नरहाड़ी तरफ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के दाम, फूका फूकी जमता कर्मा ठान के ऊप, अजब हाल है। याद रखो नौजवानों, सुन लो, 10 मौलाना दुआ करके जाएगा गारंटी नहीं देगा, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, तन्हा तेरी माँ दुआ कर दे, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मेरी तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल होती। नबी की बेटी फातिमा वापस घर चली जाती है, प्यारे आका फरमाते बेटी फातिमा लकड़हारे के घर 2 दिन गई मुलाकात हुई, कहा बाबा हुसैन को लेके चली गई थी, लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा ना खोली, मेरे आका फरमाते बेटी आज जाना दरवाजा जरूर खोलेगी। 3रे दिन नबी की बेटी फातिमा जहरा जू ही चलने लगी इमाम हुसैन को लेकर के, इमाम हसन ने देखा माँ कहाँ जा रही है, माँ हम भी जाएंगे, इमाम हसन भी साथ हो गए, लकड़हारे के दरवाजे के करीब गए, बाहर से दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 2 दिन से आ रही हूँ, तू दरवाज़ा खोल नहीं रही है, तुमसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। कहा फातिमा साथ में कौन है? कहा मेरा बेटा हुसैन है और मैं हूँ। कहा अब मेरा बेटा हसन भी नहीं माना, आ गया। कहा इतना सुनना था, अंदर से आवाज़ आई, फातिमा माफ़ करना, आज भी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, मैंने अपने शोहर से इजाज़त जो मांगा था वो आपका आपका बेटा हुसैन का मांगा था, हसन का नहीं मांगा था। बीवी फातिमा फिर वापस चली गई, लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेचा, घर आया, बीवी से पूछा कि फातिमा बीवी आई थी, मुलाकात हुई थी? लकड़हारे की बीवी ने कही नहीं, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। कहा क्यों? कहा आज हसन भी आ गया था साथ में, हमने इजाजत मांगी थी सिर्फ हुसैन और उनकी माँ फातिमा की, आज हसन आ गया। तब लकड़हारा जज्बात में आया, जोश में आया, जुनून में आया, कहे मेरी बीवी सुन ले, कल अगर नबी का पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल। 4थे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे कपड़े से बदन को ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के दरवाजे के करीब आती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज़ आती, कौन? का मैं फातिमा हूँ, इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी खुशी खुशी दरवाज़ा खोलती है और खोल करके अदब से झुक के बीवी फातिमा को सलाम करती है, मोहब्बत से पेशानी को बोसा देती है, प्रेम से हाथ पकड़ती है, ले जाके चटाई पे बिठाती है। फातिमा जहरा देख रही है, लकड़हारे की बीवी की आँख में आंसू है, बीवी फातिमा फरमाती है लकड़हारे की बीवी तेरे आँख में आंसू कैसे आ गया? कहा फातिमा ये खुशी की आंसू है, मैं 4 दिन से तड़प रही थी, कब मैं दरवाज़ा खोलूं आपसे मुलाकात करूं, लेकिन बीवी फातिमा याद रखना मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाती हूं, जब तक उसकी इजाज़त मुकम्मल ना हो गई तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोली, मैं तड़प रही थी, या अल्लाह मेरे दरवाजे से फातिमा रोज़ वापस चली जा रही है, कल फातिमा को क्या मुँह दिखाएंगे, लेकिन फातिमा मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं करती, मैं शोहर के खिलाफ कोई काम नहीं करती। आज की बहू मानेगी? आप खाली जहां नहीं रोक, जहां रोकिएगा वहीं जाएगी, मेला झमेला हटिया बाजार, शोहर कहाँ है कहाँ नहीं, एगो झोला 15 गो टका ले एकदम हटिया में डोंग डोंग घूम रहे है, लगता है औरत नहीं डाकिन है, पकौड़ी खा रही है। खैर यहाँ इस तरह नहीं है, उस सिस्टम में है, बहुत अच्छा कहे सुभान अल्लाह। आप लोग थके नहीं हैं? मैं थक चुका हूँ बैठे बैठे, सुनिए, सिर्फ ये मेरा मरहूम सुभान मियाँ के मोहब्बत से बैठ गया, वरना मैं 2-2.5 घंटा स्टेज पर नहीं बैठता हूँ। जलसा मेरे जिम्मा पे दे दिया था, वो लड़कों ने कहा कैसे आपको जैसे भी चलाना है, मैंने कहा ठीक है, 2 बज गया, क्या हजरत 2 बज गया, अब तक आप लोग हिल नहीं रहे, आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। नहीं हिलिएगा, थोड़ी देर सुनिएगा, कितनी देर बोले, कितनी देर? 3 घंटा
या अल्लाह हे मालिक, एगो एम्बुलेंस से बोन बुला लीजिए, अरे को यहाँ खटिया बिछा दीजिए, खटिया बिछा कर रखिए, इतना सांची कड़वा तेल लाके मेरे मथा बगल में रख दीजिए, और मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी बीवी सुबह फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जाते जा रहा धनबाद बेहोश हो गए हो, 3 घंटा नाराजम तकरीर कर देना, ऐसा नहीं होगा। मेरी उम्र बहुत हो गई है, कल मेरी तकरीर भागलपुर इलाके में थी, नजमत भी था वहीं पे, वहाँ से चले घर आए सोए फिर यहाँ आए, कल दूसरी जगह रहेंगे कोटरी क्या कहते हैं डूमरी इलाके में। ये अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। उम्र हो गई हजरत, चाचा को बेटी शादी दी है फिर भी देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, जवान है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, कोई बूढ़ा बूढ़ी जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए पाकुड़ जिला में हजरत के, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता, 3 गो बूढ़ा धाँ से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचावल कायल बस वो जन्नत जेबन कर दो बैसे की हो तो, और सही बात है कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, वो सभी जवान होंगे। माशाल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 4 दिन के बाद जब अंदर गई है, चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, तमाम औरतों में पहले जन्नत कैसे जाएगी। बीवी फातिमा यही सोच करके कभी लकड़हारे की बीवी के चेहरे को देख रही है, कभी घर को देख रही है, कभी मकान को देख रही है, कभी पूरे बदल बिस्तर को देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी। और उस रसूल ने कहा है जिनके फरमान यह है कि जमीन टल जाए, आसमान फट जाए, समंदर सूख जाए, लेकिन रिसालत के निकली जुबान तब्दील ना हो। नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि जन्नत कैसे जाएगी। रसूल ने कहा कि तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी, जाएगी कैसे। अब वो देखते 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 क्या देखती कि वो कमरे में देख रही कि वो चटाई बिछी हुई है, उस चटाई पे ऊपर एक गिलास पानी रखा हुआ है, पानी के बगल में एक खजूर के पंखा रखा हुआ है, पंखे के साइड में एक छुरी रखी है, छुरी के बगल में एक रस्सी है, रस्सी के साइड में एक लाठी है, डंडा है। फातिमा सोचने लगी या अल्लाह ये तमाम औरतों में जन्नत जाएगी, मैंने रहल नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, इनको रुकू में नहीं देखा, कयाम में नहीं देखा, ये मैं क्या देख रही हूँ। पानी पिएगा ये पता है, पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, ये रस्सी ये छुरी ये डंडा क्यों चटाई पर रख दिए। नबी की बेटी फातिमा वहीं बैठी सब देख रही थी, लकड़हारे की बीवी से गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, बात बढ़ते 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 दोपहर हो गई, बात अभी पूरी नहीं हुई कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया, अंदर से आवाज गई कौन का, खोल मैं तेरा शोहर लकड़हा रहा हूँ, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के घर आ गया हूँ, ए बीवी दरवाजा खोल। इतना सुनना था बीवी फातिमा के बगल में जो लकड़हारे की बीवी बैठी थी उठ के खड़ी हो गई का, फातिमा माफ करना फातिमा, अब हम आपके बीच में नहीं बैठ सकती फातिमा, मेरा शोहर आ चुका है। फातिमा बीबी सोच रही है कि जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा में जन्नत जाएगी, यही देखने गई थी। बी फातिमा के पास से उठ जाती है, जाके मोहब्बत से दरवाजा खोल देती है, और खोल करके अदब से झुक के मुस्कुरा के सलाम करती है, सलाम करने के बाद प्रेम से हाथ को पकड़ती है, अपने शोहर को लाके चटाई में बैठा देती है। बीवी फातिमा देख रही है जो ही शाही शोहर चटाई पे बैठ जाता है, बैठने के बाद वही लकड़हारे की बीवी पहले पानी का गिलास उठाती है, शोहर के हाथ में दोनों हाथ से देती है, फिर मोहब्बत से बैठ जाती है, फिर शोहर का चेहरा देखने लगती है, और देखने के बाद शोहर पूरा पानी पी लेता है, तब वो लकड़हारे की बीवी दोबारा पंखा उठाती है, शोहर को झिलने लगती है, पसीना सुखाने लगती है, जब पसीना सूख जाता है पानी पी लेते हैं, तब नबी की बेटी देख रही है अब क्या करेगी। अब बीवी फातिमा देख रही कि लकड़हारे की बीवी अदब से शोहर के सामने खड़ी बैठ गई, कही मेरे सरताज, मेरे शोहर, आप फजर की नमाज पढ़ के लकड़ी काटने चले गए थे, आप तो घर में नहीं थे, आपके बगैर आपके शरीयत आपके मिजाज के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ मैंने अगर कोई काम किया है तो आप पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, मैंने पसीना सुखा दिया, अब आपको आराम मिल गया, अब आप देखिए चारों तरफ घर में कि कहीं मैंने सुन्नत के खिलाफ कोई काम किया है क्या, या सुन आपके मिजाज के खिलाफ अगर कोई काम किया है तो आप इस लाठी डंडा जो है ना इससे मुझको पीट दीजिए, इसे जी भर के मारिए, इससे मन ना भरे ना, मैं सामने लाके रस्सी रखती हूँ, आपको खोजना नहीं मेरे सरताज, तलाश नहीं करना है, रस्सी से मुझको बांध के मारिए, इससे भी मन ना भरे
तो इस सामने तलवार रख दिया हूं, मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे नाराज ना होना, मुझसे अगर तू नाराज हो जाओगे अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी, आपकी रजा में रब की रजा है। नबी की बेटी फातिमा ये मंजर को देख करके घर चली गई, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी लकड़हारे के घर गई थी, कहाँ बाबा मैं गई थी, काका बेटी क्या देखी, कहा बाबा जब से मैं घर में थी नमाज पढ़ते उसको नहीं देखी, कुरान पढ़ते नहीं देखी, तलावत करते नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, कयाम में नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी। कहा बेटी देखी क्या, कहा बाबा जब मैं घर में बैठी थी मेरे सामने बैठी थी और जब उनका शोहर आ गया वो फौरन मेरे सामने से उठ गई और जाके दरवाजा खोल के मोहब्बत से सलाम की। हम लोग की बहू सब करती है, कब करती है, जुमा दिन करती है, बाजार से आते तब करती है, 15 दिन में करती है, 1 साल में, ईद में एकदम जबरदस्ती सलाम, ईद में अरे बाप जीत ईदगाह से आइए एकदम बहू सब दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार तैयार है, फिर बाप आओ रे बोल हाँ आए सलाम करो बेटा, हाँ फिर बाप यार बोल हाँ माँ यार बोल हाँ तैयार है आए सलाम, साल भर के सलाम HD एकदम 5G सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब सलाम नहीं करती ईद में, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक है, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे पार। लेकिन नबी की बेटी फातिमा की अदा देख, फातिमा का काम देख, वो फातिमा जरा फरमाती है बाबा मैं जब लकड़हारे के घर के करीब चली गई मैं सोच रही थी वो कितनी इबादत गुजार होगी, लेकिन बाबा मैं ये सब मंजर देख के आई, शोहर आया मेरे सामने से उठ गई, मोहब्बत से दरवाज़ा खोली, अदब से सलाम की, प्रेम से हाथ पकड़ी, आके चटाई में बिठाई, पानी पिलाई, पंखा झीलने लगी, तमाम बातों को नबी की बारगाह में बीबी फातिमा ने पेश कर दी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूल फरमाते ए बेटी इसी अदा के बुनियाद पे तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। अब माशाल्लाह और आधा घंटा बोल दे, जो जो दूर दराज के हैं वो लोग जा सकते हैं, जो दूर दराज के हैं बहुत देर बैठे हैं पेट फूल गया घुटना में दर्द है कनकनी है घुटनिया बाद है रोगहा है बीमरिया है वो लोग उठ के जा सकते हैं। माना बहुत देर तक 3-4-5 घंटा बैठ गया, भैया कितनी देर बैठेगा, आदमी गोड़े हाथ है ना गुटखा खा के पुड़िया खा के सब रो गया फोकसा गया है, कितनी देर बैठेगा, लड़का लोग नहीं देखते हैं गली में बैठ के 1.5 घंटा पबजी फ्री फायर में टाइम कटा देता है, आर्केस्ट्रा सुनेगा पूरा रात बिता देगा, मेला में हटिया में झमेला में टाइम बिता देगा, लेकिन जब जलसा में आएगा तो बहुत देर तक नहीं बैठ पाएगा। ये तो मैं था कि मेरे नाम से बैठ गया, मैं झारखंडी साहब आएंगे, हालांकि मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, ये जितने चैनल वाले हैं ना सब चैनल वाला सब लोग माशाल्लाह बहुत दूर दराज से आए हैं, और मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत सारी तकरीरें हैं, माँ पर सुन लेना, बाप पर सुन लेना, सास पर, ससुर पर, सब पर मेरी तकरीर है, DJ पर, पड़ाका पर, शादी पर, बॉम्ब पर, पिस्तौल पर, आजकल के नहीं देखते। खुदा के वास्ते जब जलसे में आओ तो मौत को याद करना, सुभान मरहूम चले गए अब वो लौटेंगे नहीं, घर रह गया उन्हीं के नाम पर, ये घर किनका सुभान मियाँ का है, सुभान मियाँ घर है लेकिन वो नहीं है, ये जमीन किनकी सुभान मियाँ मरहूम की, वो है जमीन है वो नहीं है, ये गाछ किनका सुभान मियाँ मरहूम के वो नहीं है घा गाछ है, ये तमाम बेटा किनका सुभान मियाँ मरहूम के हैं वो नहीं है भाई बेटा है, मुसाफिर करना इसी का नाम कहता है। मुसलमानों खुदा के वास्ते अपनी मौत को याद करना और मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना, ताकि जिस दिन कफन ओढ़ोगे ना तो दुनिया आएगी कफन हटा हटा के चेहरा देखेगी, घर नहीं देखेगा, मकान नहीं, दौलत नहीं, जायदाद नहीं, चेहरा देखेगा बार बार लोग चेहरा देखेगा, थोड़ा कफन हटाओ मुंह दिखाओ, इतना अच्छा चेहरा सजा के मरो ताकि जो ही कफन हटा के लोग देखेंगे कहेगा लगता है कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है, कोई गौस का दीवाना सोया है, कोई ख्वाजा का मस्ताना सोया। आजकल तो फेस वॉश, फेयर एंड लवली, वीको टर्मरिक,
लेकिन मरने के बाद ना फेस वॉश चलेगा, ना फेयर एंड लवली, ना भी कोटर मरी काम आएगा। प्यारे आका फरमाते दुनिया में ज्यादा वजू करोगे, कल मैदाने महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा, जो सबसे ज्यादा वजू करेगा कफन में वही चेहरा चमकेगा। और जब कफन मैयत को लेके चला जाता है ना, तो 500-600 आदमी जाता है, 500-600 आदमी जाता है, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं, सब वापस आ जाता, उनको छोड़ के देता, अकेले अकेले छोड़ देता है। लेकिन एक अमाल है जो आपके साथ कब्र के अंदर जाएगा। एगो बुढ़िया एगो गांव में थी, बड़ी कंजूस बुढ़िया थी, बहुत ख़त्म बुढ़िया, कभी किसी को 10 रुपया नहीं देती थी। एक दिन एगो फकीर उसके घर में आ गया, फकीर वो आया, कहा कि दादी कुछ दीजिए, दादी कुछ दीजिए। वो बुढ़िया धूप में बैठ के मूँगफली खा रही थी, मूँगफली चिनिया बादाम बैठे बैठे खा रही थी, फोंक रही थी, छोंक रही थी, पूरा छिलका वहाँ पड़ा हुआ था। फकीर वो आया, कहा कि कुछ दीजिए, तो बुढ़िया क्या क्या वही छिलका उठा के फकीर को दे दिया। फकीर वह छिलका लेके चला गया, चोकला पोकला लेके, कहा जा अल्लाह ताला बुढ़िया को हिदायत दे। बुढ़िया चली गई अपने घर, फकीर अपने घर। दिन कट गया, रात आ गई, रात आ गई तो बुढ़िया सो गई, सो गई तो नींद आई, नींद आई तो ख्वाब आया, ख्वाब में सपना, सपना में बुढ़िया देख रही कि हम मर गए। वही बुढ़िया सपना में देख रही कि हम मर गए, सब नाती पोता जमा हो गया, पानी गर्म किया, कफन लाया, खाटिम सुताया, है ना, बांध बुन के ले गया। अब बुढ़िया नींद नहीं खुल रही, अल्लाह कब नींद खुलेगी, कर देगा क्या करेगा। सपना बुढ़िया देखते जा रही, कब्रिस्तान ले गया, दफन कर दिया, सब लोग आ गए, बुढ़िया अकेले सपना में देख रही है, अल्लाह हमको सब दफन कर दिया, वो जिंदा है लेकिन ख्वाब में देख रही है फकीर को, जो वो मजाक के तौर पर जो चिनिया बादाम को छिलका दिया था उसी का वो दिखाना मकसद था, उसी का मकसद था। अब बुढ़िया सो गई, ख्वाब में देख रही है मर गए, दफन कर दिया, सब हट गया, बुढ़िया अकेले कब्र में, क्या क्या बिच्छू निकला कब्र से। अब बुढ़िया की तरफ बिच्छू जाने लगा, अब जू ही जाने लगा बुढ़िया सपना ख्वाब में, या अल्लाह अब लिया, अब लिया, अब लिया, लिया अब नहीं। तब तक मूंगफली का छिलका उड़ के कहीं से आया और बिच्छू फटा दिया, बिच्छू भाग गया। फिर बुढ़िया चुपचाप, अब की फिर करुआ बिच्छू उधर से, अब बुढ़िया फिर लिया, 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 फिर मूंगफली छिलका आया, फिर उसको हटा दिया। बुढ़िया सोच रही, या अल्लाह हम फकीर को इतना सा मूंगफली छिलका दे दिए थे गोसा से, वही आज कब्र में काम आ रहा है, कोई नहीं काम आ रहा, ना नाती है, ना पोता है, ना बेटा है, ना समधी है, ना दामाद है, ये मूँगफलिया छिलकिया खाली रोक रहा है, गौर कीजिएगा। अब बुढ़िया यही सोच सोच के, अल्लाह हम क्या कर लिए। इतने में फिर देखा, अब की माथा बगल में इतना मोटा करुआ सांप, एकदम चीती सांप फन फैलाते। अब तब बुढ़िया डसती, अब तब डसने के लिए आती बुढ़िया, पूरा घर गुष्टी कि दादी की भेलो, की भेलो, बोल बेटा हमें मुर्गी ले लियो रात, रे बा हमारा तो नहीं गड़ दे, रे बा क्या हुआ दादी, बस सब छोड़ दिया था बेटा, वहाँ कोई नहीं था, बस सांप निकल रहा था, हम मूँगफली छिलका फकीर को दिए थे वही काम आ रहा था। ये बेटा मेरा गहना गुड़िया हंसली जेवर जितना है दे दो बेटा, फकीर को बुला दो, हम नहीं रखेंगे, सब बांट देंगे रे बेटा, अब कोई काम नहीं है, तुम लोग कोई नहीं देगा, जो अपने हाथ से देंगे वही काम आएगा, वही काम आएगा। आज लोग दौलत के नशे में ना फकीर को तोड़ दे, ना जुम्मा में 10 रुपया डाले, ना किसी गरीब बाप के बेटी दरवाजे पे आके भीख मंगा के तरह खड़ा हो जाए, तौफीक ना होती है, उस बेटी बाप के हाथ में 100-500 दे देंगे, उनकी बेटी ससुराल जाएगी। आका फरमाते जब वो बेटी ससुराल में कदम रखती है, उनके घर में रहमत और नूर की बारिश है। इसलिए अपने हाथ से खर्चा करो, दे लिया करो।